ठीक है, लेफ्ट वाले साइड गिरी थी। आज मुझे मेरी गलती फील हो रही है। ये अनलिमिटेड कुत्ते हैं, मैं आगे नहीं जाने वाला। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट साहिल स्टार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे सब मस्त होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। बाहर का मौसम एकदम खराब है, आज रात को हल्की हल्की सी बारिश है, हल्की ज्यादा बारिश नहीं हुई है तो अभी का मुझे नहीं पता, अभी बारिश पड़ रही है या नहीं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ रही है, मतलब ना के बराबर। तो मैं जा रहा हूँ अभी बाहर क्योंकि मुझे और आई कार्ड्स बनाने हैं कुछ, तो फिलहाल मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ से काम खत्म करके वापस घर आता हूँ। और आज का हमारा जो प्लान है वो मोहल्ला टूर, हम लोग मोहल्ले का टूर बनाने वाले हैं आज, देखते हैं फिलहाल बारिश में कैसा रहेगा आज का वीडियो। अगर इस वीडियो में बनाया तो ठीक, अगर मुझे लगा कि कुछ और है करना है हमें दिन भर तो कुछ और ही बनाएंगे, मोहल्ला टूर कभी और देंगे या तो अगला व्लॉग वही दे देंगे या तो इससे पहले वो दे देंगे, जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं आ चुका हूँ बाहर और जनरेटर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये रहा मेरा जनरेटर। और देखो बारिश हल्की हल्की हुई है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, ये यहाँ पे नया नया पड़ा है ना तो इसकी वजह से लग रहा है कि गीला है, बट ये देखो ये ब्लॉक है बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मतलब बारिश ठीक है, बारिश अगर होगी चलेगी, बर्फ़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बारिश भी मतलब मुझे पसंद नहीं है, जून जुलाई वाली पसंद है, बट मौसम ना साफ़ होने लगा है धीरे धीरे। वहाँ से देखो यहाँ से ब्लैक क्लाउड्स है बट वहाँ से बिल्कुल ठीक होने लगा है, धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी। जब मैं घर से बाहर निकला था ना तो उसी टाइम मौसम ख़राब हो गया था, मतलब मैं यहाँ से रोड पे गया और बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो देखो बारिश हुई थी अभी। और जहाँ पे पपीज़ होते थे ना वो भी थोड़े से बड़े हो गए हैं अभी। और हमारा कुलचा देखो, इसका नाम हमने कुलचा रखा है, सिर्फ सुसु करता रहता है, गंदा बदतमीज़। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और मुझे लगता है मैं मोहल्ले का टूर ना उधर ही से करूँगा क्योंकि हम लोग जाएंगे स्कूटी पे ही, हमारा मोहल्ला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, मोहल्ला मतलब पूरा एरिया ना। और देखो पपीज कितने बड़े हो गए, ये कुलचे को भौंकने आ रहे हैं देखो देखो कितने बड़े हो गए हैं। ओए, यहाँ से हमारा मोहल्ला होता है स्टार्ट ये हाईवे, ठीक है, तो ये मेरी शॉप थी यहाँ पे और ये पिंक्स एंड ब्लूज है, तो यहाँ से हमारा मोहल्ला स्टार्ट होता है। और ये जो यहाँ पे ग्राउंड है ना, इसके अंदर जहाँ हम खेलते हैं वो हमारे मोहल्ले के साथ नहीं आता है, वो दूसरा मोहल्ला है आगे, तो उनके साथ आता है, तो यहाँ से हमारा मोहल्ला स्टार्ट है। हमारी कॉलोनी से जब बाहर आते हैं, ये कॉलोनी हमारी है, तो सामने ना एक स्कूल आता है, ये हिल स्प्रिंग वर्ल्ड स्कूल है, यहाँ पे छोटों का मतलब 6 तक है शायद, और ये एक कम्प्लेक्स बन रहा है जो कि कम्प्लीट नहीं है, वहाँ पर मेरा घर है वो, और ये मस्जिद है हमारे कॉलोनी की। तो यहाँ से ना हमारे मोहल्ले का होता है स्टार्ट, मतलब मार्केट। अब हमें वापस जाना है, मतलब इस वाले साइड से मार्केट स्टार्ट होता है असल में। ये है चिल एंड ग्रिल कैफ़े, हमारे मोहल्ले का इकलौता कैफ़े है, और अभी हम लोग पहुंच गए मेन मार्केट में। और यहाँ पे कुत्ते देखो कितने हैं भाई साहब, मैं तो आगे नहीं जाने वाला, ये अनलिमिटेड कुत्ते हैं, मैं आगे नहीं जाने वाला आगे जाओगे मतलब खतरों के खिलाड़ी का टास्क होने वाला है, बिल्कुल मैं आगे नहीं जाने वाला। मैंने सोचा था बंड के साइड से आएंगे हम, बट मैं अब दूसरे वाले साइड से आऊँगा। मैं अभी इस वाले रास्ते से आया, पहले मैंने मतलब वहाँ से आया था, मैंने सोचा वहाँ से आऊँगा तो पूरा बंड पे चल के जाएंगे, लेकिन वहाँ इतने सारे कुत्ते थे ना कसम से, मतलब हद हो गई, आज मैंने पहली बार इतने कुत्ते एक बार देखे। मैंने सोचा मतलब अगर मैं आगे गया, अगर रोड ठीक होता ना, मतलब ठीक ठाक होता, बारिश नहीं पड़ी होती तो भाग सकते थे, इस पर स्लिप है, मतलब स्कूटी भाग रही है इधर उधर, तो रिस्क नहीं लेने का। तो फिलहाल ये यहाँ से मतलब हमारा जो बंड वाला साइड है, ये देखो कितना प्यारा है यहाँ पे। और जब यह हटा था ना पूरा, सिर्फ ये एक जगह थी जो कि नहीं हटी थी, पता नहीं क्या रीज़न था, सिर्फ वो वहाँ पे जितना है ना वो नहीं हटा, बाकी सारा हट गया था। तो फिलहाल अभी हम लोग और आगे जाते हैं, अभी देखो टिकटॉक ब्रिज कितना दूर है, मतलब ये सारा एक ही मोहल्ला है, यहाँ से वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ मैंने मार्केट दिखाया ना उससे थोड़ा और आगे आधा किलोमीटर अप्रॉक्स, तो टिकटॉक ब्रिज तक, पूरा टिकटॉक ब्रिज तक है। अभी हम लोग जाते हैं आगे। और गया था मैं काम से, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, इतना खतरनाक सीन हो गया, खतरनाक नहीं हुआ मतलब स्लिप थोड़ी सी हो गई, तो यहाँ पे स्लिप होते होते बच गई, लेकिन मैंने स्कूटी बचा ली भाई, देखो क्या हालत होगी ना, बच गया मैं खुद तो बच गया, ग्लव्स थोड़े से गंदे हो गए और हेलमेट ये वाला ठीक है, लेफ्ट वाले साइड गिरी थी तो फिलहाल बच गए, लेकिन देखो इसमें से आना पड़ा, यहाँ से ना स्कूटी नीचे इधर ही गिर गई, लेकिन बच गए फिर भी,
यार आज मौसम खराब है ना, इसकी वजह से मैं तो अपनी तरफ से बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। तो ये है हमारा जो पंप है यहाँ पे, यहाँ पानी जाता है, यहाँ से आते और इधर जाते हैं, तो आगे जाते हैं। पार पता है कौन सी जगह है? बांग्लादेश, सच में बांग्लादेश है वो। अभी यहाँ पे एक पेड़ है, मतलब एक चिनार का पेड़ था जो कि गिर गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चिनार का पेड़ था जो कि जहलम में गिर गया था और अभी तक ये ऐसे ही है। यहाँ तब ना पानी था, सिर्फ पानी था और कुछ भी नहीं था, ज़मीन वमीन। जब पानी ज़्यादा होता है तो इसके ऊपर से आ जाता है, लेकिन ये पहले नहीं था। अब यहाँ पे देखो कितना कूड़ा भी जमा होता है, तो और यहाँ पे देखो कुत्ते भी कैसे। और यहाँ पे ना एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है वो बच्चों का। मतलब यहाँ से ऑफ रोड किसी को, ये है, अगर किसी को ऑफ रोड करना है ना तो इधर से आओ, बहुत ज़्यादा स्लिप है सीरियसली। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में दो ज़्यारत है, एक ये है और दूसरी उस वाले, मतलब वो भी अपना ही मोहल्ला है, अपना मतलब पूरा मोहल्ला मोहल्ले में ही आती है, लेकिन हम उस साइड से नहीं गए क्योंकि वहाँ का भी रोड बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। और यहाँ पे फ़िशिंग भी होती है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लोग ये फ़िशिंग करने आते हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिशेज होती है। ये देखो इनसे सुबह खाला शेखगढ़, उसके बाद ना ये लोग फ़िशिंग करते हैं दिन को यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से। हमारे मोहल्ले में इतने ज़्यादा चिनार के पेड़ है ना, पीछे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक दो तीन वहाँ गिरा था, वहाँ पे भी दो तीन है, और आगे मैं दिखाता हूँ, देखो आगे भी कितने, और रोड पे भी बहुत है, मतलब वो मेन रोड पे भी एक दो है, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, और आगे भी बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक ब्रिज तक तो इतनी है और उससे आगे इतने ज़्यादा है ना, मतलब टिकटॉक ब्रिज मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लोग रील्स बनाने आते हैं। इसका नाम वैसे टिकटॉक ब्रिज नहीं है, ये नया नया ब्रिज बना है क्रॉस करने के लिए, तो टिकटॉक ब्रिज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रील्स बनाने आते हैं, वीडियोस बनाने आते हैं, इसलिए मैंने भी टिकटॉक ब्रिज रखा है। मैंने तो परसों पहली बार व्लॉग बनाया था इधर। जब हम लोग बैक साइड से आते हैं ना, मतलब बंड वाले साइड से, तो मेरा घर देखो वहाँ पे है, वो दिख रहा है वहाँ पे मेरा घर है, और चिनार के पेड़ तो देखो पत्ते गिरे हुए, बड़ा ही औसम लग रहा है। यहाँ पे सुबह लोग रेत चढ़ाते हैं और मतलब यहाँ से ना वो लोग लेते हैं, और हम लोग यहाँ कभी कभी आते हैं बैठने के लिए। मैं तो ज़्यादा नहीं आता था, बट पहले जब मैं यहाँ रहने के लिए आए थे हम लोग, तब मैं शाम शाम को यहाँ आता था बैठने के लिए, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है इधर, इधर बड़ा ही सुकून मिलता है। शाम को बैठो एकदम मज़े में, शांति में, यहाँ बहुत लोग बैठे रहते हैं। मतलब यहाँ से फ़िशिंग देखो कितने लोग हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, अभी पार भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे तो अलग ही मज़ा है बैठने का। तो यहाँ पे हमारा मोहल्ला ख़त्म होता है इस वाले साइड, इससे थोड़ा सा आगे, मतलब वो, लेकिन वहाँ भी एक ज़ियारत है, चलो उधर चलते हैं, पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। आज मुझे मेरी गलती फील हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे यहाँ ऑटम में आना चाहिए था ना व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा, देखो ये यहाँ पे एक ज़ियारत है, और ये देखो चिनार कितने ज़्यादा है यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब यहाँ बहुत चिनार के पेड़ है। तो अगर ऑटम के मौसम में हम आते हैं ना, मतलब यहाँ पे ना ज़बरदस्त होते, देखो वहाँ से भी थोड़े से हैं, और मतलब वो आपने नहीं देखे व्लॉग में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा है परिंदे। तो ये यहाँ से डल सूख गए, डल भाई क्या कुछ भी बोल रहा हूँ मैं कसम से, ये जहलिम सूख गए अभी, और मौसम आज साफ़ हो रहा है, वहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा मौसम साफ़ हो गया है, पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ से भी मौसम अभी हो रहा है ठीक। आज की प्रिडिक्शन थी, अभी आप लोगों को लग रहा होगा मैंने आपसे बोला था कि मेरे काम ख़त्म होंगे और फिर मैं आऊँगा व्लॉग्स अच्छे से बनाने। कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छा था, मेरे हिसाब से तो अच्छा था, हमने कुछ एडवेंचर किया, अच्छी जगह पर गए, और सच में हमने बालू की आवाज़ सुनी थी, कसम से सच में सुनी थी मैंने आधी को, मतलब मैं देख रहा था यूट्यूब पे ऐसे ही, तो वहाँ पे एक वीडियो सजेस्ट हुआ, वहाँ ना बालू के वो थे, तो मैंने वॉइस सुनी, तो सेम वैसी वॉइस थी, फिर मैंने आधी को भी भेजी तो उसका रिएक्शन कुछ ख़तरनाक था। हम लोग हमेशा घर पे वीडियो ख़त्म करते हैं, आज हम लोग बाहर वीडियो मतलब ख़त्म कर लेंगे, घर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो फ़िलहाल मैं आता हूँ थोड़ा आगे की तरफ, मतलब डल की तरफ, सो कॉल डल, डल नहीं है जहलिम में, तो यहाँ तक हम लोग आते हैं समर्स में जब पानी ज़्यादा होता है, तो यहाँ तक ही बस, यहाँ तक पानी होता है बाकी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। डक्स है वहाँ पर, डक पत, ये क्या बोलते हैं यार इसको, बतख बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट्स में बता देना अच्छा क्यों नहीं लगा। मोहल्ला टूर कुछ डिफरेंट हो गया ना, हमेशा होम टूर रूम टूर, आज मोहल्ला टूर हो गया। चलते हैं कभी और किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव एंड पीस, पीस आउट।